और राजेश कोडिया के घर में हुए लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खरीदने वाले व चोरी करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो की तलाश जारी है। सख्त चोरी के सामान खरीदने वाले दो सोनार तथा चोरी करने वाले तीन आरोपियों ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम। आरोपी आतन चोर राजू खुटे निवासी बाराद्वार अपने दो साथियों के लाख रुपए की चोरी की घटना को दिया था अंजाम। दिनांक 1 जुलाई 2023 को नेहरू चौक बाराद्वार निवासी राजेश कोडिया के घर में उनकी माता का स्वर्गवास हो जाने से पूरे परिवार रेलवे स्टेशन के पास जयकिशन कोडिया के घर में थे। रात्रि में उनके घर में कोई नहीं था। आरोपियों के द्वारा उनके घर में घुसकर नगद 4 लाख सहित सोने चांदी के जेवर कीमती 5,50,000 की चोरी कर लिए थे। सुबह जब राजेश कोडिया का लड़का हनी कोडिया अपने घर आया तो इस बात की जानकारी लगी। घटना की सूचना तत्काल थाना बाराद्वार को दिए जाने पर थाना बाराद्वार में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध धारा 457 व 380 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। नगर के बीच इस तरह की चोरी होने से हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस द्वारा फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड व साइबर टीम की मदद ली जा रही थी। पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे ने मार्गदर्शन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती गायत्री सिंह, उप अधीक्षक अनिल गुप्ता के नेतृत्व में थाना प्रभारी बाराद्वार निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी और साइबर टीम प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह के टीम को आरोपियों के पतासाजी हेतु लगाया गया था। दिनांक 1/8/2023 को यहाँ बाराद्वार निवासी राजेश कोडिया के घर में उनकी मम्मी ख़त्म हो गई थी। वो दिन घर सोना था तो रात में उनके घर से कोई अज्ञात आरोपियों के द्वारा 4 लाख रुपए नगद और करीब 1.5 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए थे। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में 457-380 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर था, इसकी जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लेकर मौके पर मुआयना किया गया था। हमने मामले विवेचना के दौरान फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की मदद ली थी और साइबर टीम और हम एक संयुक्त रूप से SP साहब के मार्गदर्शन में एक लगातार पतासाजी कर रहे थे। टावर डंप और आपके CCTV फुटेज देखने पर पता चला कि घटना दिनांक को तीन आरोपी घटना समय में एक मोटरसाइकिल में जा रहे हैं। एनालिसिस करने पर पता चला कि जो उसमें से एक आरोपी है राजू खुटे, एक सातिर चोर है, बाराद्वार निवासी है, वो उनको होना पता चला। उनको उठाकर हमारे द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपने दो साथी एक हिमायत खान और एक विनोद चंद्रा, हिमायत खान जो रहने वाला बेसिकली जम्मू का है और विनोद चंद्रा जाजापुर क्षेत्र का रहने वाला है, ये एक साथ वहाँ जम्मू में काम करते थे। पिछले कुछ 2 महीने में ये लोग यहाँ आए हुए थे, उनके द्वारा रेकी किया गया था और 1 तारीख को रात में तीनों मिलकर घटना को अंजाम दिए थे। आरोपी के कब्जे से हमने मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त किया था उसको जब्त किया है और उसके हिस्से में जो 60,000 रुपया था उसको जब्त किया है। सोने चांदी को उन्होंने शक्ति निवासी एक सुरेंद्र कुमार कसेर को बेचना बताया था। सुरेंद्र कुमार कसेर से पूछताछ करने पर उसने उस सोने को मेल्ट कर एक नवनाथ निकम जो ओम रिफाइनरी के नाम के संचालन करता है उसको बेचा था। मामले में हमने दोनों से पूछताछ कर चांदी सोने के जो जेवर थे उसको मेल्ट किया था, उसको जब्त किया गया है। आरोपी सुरेंद्र कसेर से चांदी के बर्तन और ज्वेलरी को जब्त किया गया है। इनके दो आरोपी जो है इस मामले के वो जम्मू फरार है, उनके लिए पुलिस टीम लगाई गई है। इसके साथ ही दो अन्य प्रकरण में और सफलताएं मिली हैं। इनके द्वारा अप्रैल में 2023 में सिद्धार्थ राय के घर उनके घर में सोने चांदी और नकदी चोरी किया गया था और सितंबर 2022 में वृंदा प्रसाद गुप्ता के घर में भी इन्होंने चोरी करना बताए हैं। सिद्धार्थ राय के घर से चोरी के मामले में आरोपी से LED TV और पुराने जेवरात जो को रिकवर किया गया है और वृंदा गुप्ता के घर से चोरी के मामले में जो चोरी के सामान के खरीदार हैं सुरेंद्र कसेर और नवनाथ निकम से कुछ पुरानी ज्वेलरी बरामद की गई है।